सुखी भाई साहब, कम से कम उन्हें एक मौका तो दीजिए कि वो अपने दामाद पर गर्व कर सके। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, एक मौका तो मिल गया मुझे दामाद से बेटा बनने का। मैं आज से अभी से नौकरी ढूंढूंगा, कोई भी नौकरी करूंगा, मैं कुछ भी काम करूंगा भाभी। कहीं और नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है सुखी भाई साहब? एक जॉब ऑफर है मेरे पास आपके लिए। कौन सी नौकरी भाभी? आप तो जानती हैं ना, अभी अभी हमने कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया है, एक एक पैसा दांत से दबा के रखना पड़ता है। और अकाउंट्स में आपसे अच्छा हाथ तो और किसी का हो भी नहीं सकता। अगर आप क्या बोलते सुखी फूफा जी, डांडी? हाँ जी अशोक साहब, बताया नहीं है आपने, तो डील मंजूर है। मंजूर है, मंजूर है। और डन है जी, है? डन। I'm sorry, ये थोड़ा इमोशनल हो गया मैं। जय माता दी। ले, और सर साहब उसकी बेचारे की बुड्ढी मना माथुर में स्लिप कर गई और उसके कुल्ले की हड्डी टूट गई, और आप डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कर रहे हो? आप ना बड़े निष्ठुर से जालिम से आदमी हो, सोचते नहीं हो कुछ भी। नहीं नहीं लड़े भाई, गलती तेरी है इसमें भी। तू क्या पहले आधी इन्फॉर्मेशन देके मेरे को भड़का देता है, फिर उसके बाद आधी इन्फॉर्मेशन देके तू मेरे को जालिम बना देता है। तू चक्कर में आदमी है भाई। लेकिन मन ये बता भाई लाले, भाई अगर अपना खाने वाला नहीं आएगा बावर्ची, तो फिर भाई इन सबको कैसे खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे बताओ? दूर दूर तक यहाँ पे कोई ढाबा डूबा भी नहीं है। फिर सर साहब एक आइडिया है, हम लोग एक काम करते हैं कि सारा राशन पानी ना इनको बांट देते हैं, इनको बोलते हैं अपना खाना पकाओ और खाओ और काम करो। यार लाड़े तेरे में ना दिमाग कम है, इतना पैसा खर्च किया पुलिस विभाग ने, हैं यहाँ पे इनको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा है थोड़ी कि यहाँ पे आलू काट रहे हैं और चावल बना रहे और रोटी सेक रहे हैं, ऐसा नहीं होता भाई। फिर क्या करें सर साहब? वैसे सर साहब अगर ये कैंप पटियाले के नजदीक होता ना, तो खाने का ऑर्डर बबीता बहन जी को दे देते, पर अब पटियाला शहर से 100 किलोमीटर दूर लगा के बैठे हैं ये कैंप, ये भी पॉसिबल नहीं है। मैंने उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं बोला। यही है जो सुबह सुबह मेरे कान पे युद्ध की पीपड़ी बजा देते हैं भाई, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया पता बने? भाई वीरबाड़ी का अगले प्यार से इतना कैमरा लेकर आया, धरके पटक भी बोले धर लो अपना ये वापस, ये कौन सा तरीका है? ओ चलो छड्डो सर साहब, मिट्टी पाओ। मुझे एक बात बताओ जी, आपने वो बबीता बहन जी को प्रपोजल वाली बात कही अपने दिल की, आई लव यू वाली? लाले मैंने तेरे को अभी क्या बताया कि भाई सुबह सुबह घर में कलेश कट गया, तू फिर मेरे से वही बात कर रहा है? मतलब मैं ओखली में सर डाल दूं भाई, है मैं खुद शहीद हो जाऊं और मैंने खुद ना बचा? भैया क्या चल रहा है क्या ना चल रहा है, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ मैं लाइफ में मेरी। अब मुझे क्यों सुना रहे हो जी? तू ऐसे मत देख मेरे को, सब कुछ तेरा केरा धरा ही है। मेरा किया? हाँ तूने आग लगाई है ये। आपके दिल का मामला मैंने क्या किया? तूने चढ़ाया मेरे को। मैंने चढ़ा? सर साहब बात होगी, आपके वाली शराब पिलाई थी ना? मैंने शराब पिलाई? तूने शराब पिला के मेरे को इमोशनल किया ना उस दिन? और सर साहब आप दारू पे दारू, पैग पे पैग, और मुझे फालतू बात मत कर, बस बात कह दी मैंने। मैं पहले बहुत अच्छा था भाई, सिंगल था, छड़ा था, एकदम से मस्त रहता था, अपने जीवन में खाता पीता था बस। चलो छड्डो सर साहब, मिट्टी पाओ। अब ये बताओ कि अब इनके खाने पीने का क्या करना जी? करना क्या है? बनाऊंगा मैं। आप बनाओगे खाना और हम लोग खाएंगे? नहीं तो क्या, आज तक तेरे लिए नहीं बनाया मैंने कभी, तने ना खिलाया मैंने? हाँ खिलाया। देख के तैयारी है। सही कहते हैं लोग, औरतों को ना ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए।
कंट्रोल तो रहता नहीं है। पटियाला बेबी द किचन केटरिंग सर्विस कॉन्टैक्ट मिस्टर अशोक एंड मीता खुराना। वाह पापा जी, अमेजिंग, ब्रिलियंट, सही आदमी की टीम में गए हो आप। आप और खत्री एकदम मेड फॉर ईच अदर, राइट? वंडरफुल। और इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तूने वो कहावत तो सुनी होगी ना मिनी, चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों ने हमें ठगा है। एक ने पैसों से तो दूसरे ने इमोशन से, और जब दोनों मिलकर हमें तोड़ नहीं पाए ना तो आपस में मिल लिए। वाह कमाल का गठबंधन है आपका अशोक। अदरवाइज मत देना जी, आपको जितनी गालियां बोलनी है ना आप बोल लो, लेकिन क्या है ना हमारे दिल में आपके लिए ना इज्जत और प्यारी है, पर आप ही ना ऐवई की दुश्मनी ले बैठे। यो कुड़िये क्या हुआ? वो तो उस दिन बड़ा जलन देखे गई थी ना, मानती है ना, बड़ी ईमानदारी के साथ दुश्मनी निभाई मैंने। ठीक है खत्री, अगर तुमने शुरुआत कर ही दी है ना तो हम भी दुश्मनी निभाने से पीछे नहीं हटेंगे। वैसे भी मेरी बेटी कहती है एक बार मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती हूँ ना फिर किसी के रोके से भी नहीं रुकती हूँ। वो क्या है ना, ब्रेक लगाना नहीं आता है ना मुझे। संभल के जी, संभल के। वो क्या है ना, हवा में उड़ने वाला ना, बहुत जोर से जमीन पे गिरते हैं। अदरवाइज मत लेना जी, वो क्या है ना जी, हम तो जी मामूली प्राणी है जमीन पे चलने वाले, अगर हमें उड़ना ही होता ना तो ऊपर वाले ने हमको पंख नहीं दिए होते। क्यों जी? पंख तो हमारे कब के निकल आए हैं। अदरवाइज मत लेना जी खत्री, खुले आसमान में उड़ान कैसी होती तुझे क्या पता, तू तो जमीन पे रेंगने वाला प्राणी है ना, रेंगने वाला। क्यों जी? चल बेब्स। हेलो जी, हेलो। वो क्या है ना जी, आज इस जमीन पे रेंगने वाले कीड़े ने आपकी जमीन खींच ली है पैरों तले की, आपको खबर तक नहीं हुई। कमाल है, है? वो आपको किसी कंपनी की कॉन्फ्रेंस में खाना पहुंचाने का ऑर्डर मिला है ना जी, अपने अशोक साहब है ना, इनकी वो थोड़ी सी जान पहचान है, इनके कहने पे ना उन्होंने आपका ऑर्डर आधा कर दिया है। अब माता रानी की कृपा से ना वहां पे दो मेन्यू बनेंगे, एक आपका दूसरा हमारा, और जिसका खाना उनको पसंद आएगा ना जी उसी को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। अब बोलो जी, पर कुतर दिए ना खतरे ने आपके, गिर गए ना आसमान से सीधा जमीन पे आके, हैं? क्या क्या चाहते हैं वो, अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, हमें जीने क्यों नहीं देते, क्या जरूरत थी उन्हें हमारी लाइफ में बार बार इंटरफेयर करने की यार, क्या कुछ ले जा रहे क्या हम उनका, कुछ मांगा हमने उनसे नहीं ना, अकेला छोड़ दिया ना हमने उन्हें, क्या जरूरत है खतरे जैसे आदमी के साथ पार्टनरशिप करने की यार, क्या वो हमारा बिजनेस भी हमारे हाथ से छीन के ले जाना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं वो हमें। शांत 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 शांत, मुझे पता है तुझे बुरा लग रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है, पर तू समझना अशोक भाई साहब वो परेशान है, उनका पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया, चौपट हो गया, तो अभी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हालात ऐसे हैं, पता नहीं किस मजबूरी में उन्होंने इस नौकरी के लिए। मजबूरी? राइट सुखी फुफा जी, बहुत बड़ी मजबूरी थी उनकी, ये बहुत बड़ी मजबूरी थी कि पूरे पटियाला शहर में जो इतना बड़ा है उन्हें खतरे के अलावा और कोई दिखाई नहीं दिया, राइट?
कितने लोगों को ये कुकिंग वाले वीडियो देखने का शौक है? आई डोंट बिलीव इट. हम हिंदुस्तानियों को खाने का शौक है ये तो मुझे पता था, लेकिन यहाँ देखो सारे वीडियो कितने पॉपुलर हो रखे हैं, कितने लोग लाइक करते हैं यार ये वीडियोस. अशोक तुम ये सब क्यों देख रहे हो? क्यों देख रहा हूँ मतलब, कम ऑन मीता, अगर हम लोग फूड इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं तो उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए ना हमें. रेस्टोरेंट कैसे चलता है और क्लाइंट कैसे ला सकते हैं. अब यहाँ देखो किसी ने एडवाइस दी है, जायके से ज्यादा पैकेजिंग इज इम्पोर्टेंट. अशोक आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस जॉब? तुम्हें ये सही लगता है? बिकॉज़ वो आदमी बहुत शातिर है अशोक. कम ऑन मीता, हर बिजनेसमैन शातिर होता है, पर तुम इसे शातिरी क्यों ले रही हो? कॉम्पिटिटिव भी तो ले सकती हो ना, व्हाई सो नेगेटिव? मेरी सोच नेगेटिव नहीं है, वो इंसान खत्री, वो इंसान ही नेगेटिव है. सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा है उसका कि किस तरह से मुझे बबीता को मजा चखाना है. वो बिजनेस बढ़ाने की नहीं सोच रहा है अशोक. अशोक को ये सोच रहा है कि बबीता का बिजनेस बर्बाद कैसे करना है. ऐसे लोगों के साथ जुड़ के क्या मिलेगा? ना उसका फायदा होगा ना हमारा. हेल्दी कॉम्पिटिशन एक अलग बात होती है. इतनी खुन्नस और इतनी चिड़ लेकर अगर आप बिजनेस करने जाओगे तो खुद अपना ही नुकसान कर बैठोगे. रिलैक्स, इधर देखो, इधर देखो, मेरी आंखों में देखो. अब बताओ हमारे पास और कोई ऑप्शन है क्या? अगर मैं ये जॉब भी नहीं करूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बैंक का इंटरेस्ट कैसे देंगे? बताओ, बी लिटिल प्रैक्टिकल ना. आई डोंट नो यार, मुझे आई एम नॉट गेटिंग अ गुड फीलिंग अबाउट दिस. देखो तुम जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस ले रही. जस्ट रिलैक्स. तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए. अगर तुम ज्यादा स्ट्रेस लोगी तो बच्चे की सेहत के लिए भी बुरा है ना. डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा. जस्ट रिलैक्स. आप यहाँ क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? जी मैम, कुछ बोलना है था, बोल दूं? मैंने एक्चुअली पूरी रात सो ना पाया. मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था और सोच रहा था कि भाई बोलूं कि ना बोलूं. बोलूं तो ऐसा तो नहीं कि आप नाराज हो जाओ, बुरा लग जाए आपको, कहीं माइंड कर जाओ आप. इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज. ऐसी क्या बात है जिससे मैं नाराज हो जाऊंगी? और अगर आपको लगता है कि मुझे बुरा लग सकता है तो ऐसी बात आप मुझसे कही क्यों रहे? फिर भी आपको लगता है कि बात बताना बहुत जरूरी है तो बताइए. नहीं नहीं, बात सही है भैया, आपके नाराज होने का रिस्क क्यों ले ना? अब रिस्क ले ही लिया है तो आसमा के भी देख लीजिए. वैसे ना मैंने इस बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है. आप भी सोचोगे कि हनुमान सिंह कैसे बावड़ा आदमी है एकदम से, लेकिन वो मारे सुनने में आया कि वो ना मेल होते हैं जो फीमेल बन के पोस्ट करते हैं. कौन, कहां, किसकी बात कर रहे हैं आप? क्या पोस्ट करता है समझ नहीं आ रहा है मुझे. फेसबुक पे और किस पे? बहुत आसान सा तरीका बना रखा है इन लोगों ने. जो प्रोफाइल होती है ना प्रोफाइल, उसमें बड़ा फोटो लगा देते हैं किसी छोरी की और नाम बदल देते हैं, बस हो गया. अब उस चक्कर के अंदर क्या क्या होते हैं, असली के अंदर मर्द है वो, और ऐसे फिर औरत बन के वैसे फिर बातचीत करते, चैटिंग करते, कमेंट डालते हैं लोग. मर्द कर रही है सब, बताओ आप. चोरी बन गए वो भी. अब जैसे उस लड़की ने आपको लिखा कि आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ऐसा नहीं है. नहीं मतलब आप तो जी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत खूबसूरत हो आप. लेकिन कहने का मकसद यह है कि वो कोई मर्द भी हो सकता, कोई छोरा हो सकता जो ऐसे करके सब लड़की बन के टाइप कर रहा हो सब. किसी ने खाया नहीं क्या? पता नहीं मैडम, गेरवाल साहब ने वापस भेजने को कहा है और ये भी कहा है ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, आप बिल मत बनाइएगा.
अरे क्या हुआ मिस्टर गहरेवाल, आपने डब्बे क्यों वापस भेज दिए? आपको हमारा खाना पसंद नहीं आया क्या? आपने डिब्बे खोलकर देखे? नहीं भाई साहब, लेकिन क्यों समझ में नहीं आ रहा। बताइए ना मिस्टर गहरेवाल, आप चुप क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम है या कुछ? एनीथिंग वी कैन इम्प्रूव? आप इम्प्रूव तो कर सकती हैं मिस मिनी। यस मिस मिनी, और हम आपको इम्प्रूवमेंट करने का एक चांस और देंगे। हम चाहते हैं कि इन डिब्बों में आप डिनर भी पैक कर दें। मतलब ये डब्बे भरे हुए वापस नहीं आए हैं, ये डब्बे खाली हैं। हमारे मेहमानों को आपका खाना इतना पसंद आया कि वो सेम स्टफ चाहते हैं डिनर में भी। ओह माय गॉड, पर फिर आपने ऑर्डर कैंसिल क्यों किया था? भाई ऑर्डर तो कैंसिल करना ही पड़ेगा ताकि पुराने ऑर्डर को कैंसिल करके नया ऑर्डर बुक किया जा सके। देखिए, अब आप हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में भी खाना सप्लाई करेंगे और वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पर, तो टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज करने होंगे। कांग्रेचुलेशंस मैम। थ्री चीयर्स फॉर पटियाला बेब्स। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। वैसे मैं एक बात बोलूं, मैं आपने जिस तरीके से डब्बे पहुंचवाए ना, तो मैं तो एक बार को सांस से रुक गई, दिमाग से घूम गया मेरा। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, क्योंकि क्या है कि मदर डॉटर ने बहुत मेहनत की थी भाई। मेहनत कभी जाहिर नहीं जाती, और जिस तरीके से आपने हमारे हर एक मेहमान की पसंद का ख्याल रखकर पर्सनलाइज्ड पैकिंग की थी, उससे न केवल हमारे सारे मेहमान बल्कि हमारे सीईओ साहब भी बहुत खुश हैं। पर वो पटियाला बीबी, उसका क्या हुआ? उनकी भी तो केटरिंग थी ना? अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे ब्राइब करने की कोशिश भी की थी, पर हम अपनी कंपनी में किसी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस को अलाउड नहीं करते। बहुत बढ़िया, पहले तो भाई साहब आप हाथ में ला लो। आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए, लेकिन क्या है कि ये बात पक्की है निम्बी कि बंदर चाहे कितना बूढ़ा क्यों ना हो जाए, वो गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता। इब क्या है कि चाहे कुछ हो जाए, ये खतरी ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ये रहेगा एकदम बदमाश का बदमाश, ये ना सुधर सकता। अरे तू दिल छोटा मत कर कम्मो, देखना एक ना एक दिन खतरी को भी अपनी गलती का एहसास जरूर हो जाएगा। जो अब तक नहीं हुआ अब क्या होगा नहीं भी, वो अपनी इस गलती का इल्जाम भी दूसरे पे ही डाल देंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ खतरी जी को। हाथ में आया मौका अशोक साहब, गवा दिया आपने, अदरवाइज मत लेना। पर खत्री ने भर भर के पैसा लुटाया है और हाथ में कुछ आया नहीं। लेकिन हमने कोशिश की तो थी ना, अपनी तरफ से बेस्ट मेन्यू बना के भेजा था। देखो जी, अदरवाइज मत लेना, पर जरूरी नहीं कि सबको आपकी जैसे विदेशी खाना पसंद आए। ओ जी ये पटियाला है, ये लोग ना अभी भी पंजाबी खाना खाते हैं। मैं आपको समझाता रहा लेकिन आप समझे ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट जानबूझ के आ रहा हो? तो क्या बोल रहे खत्री? आप जानते हो जी मैं क्या बोल रहा हूं। बबीता जी एक्स वाइफ थी आपकी, बड़ी करीबी संबंध है आपके उनके साथ। कहीं किसी दिल के कोने में कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है उनके लिए अभी भी? हैं? सोच समझ के बोल खत्री। वो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ जी, और सच बोल रहा हूँ। देख खत्री, मैं मानता हूँ मुझे मिसकैलकुलेशन हुई। मुझे थोड़ा और टाइम दे, मैं तेरे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और तेरी सारी भरपाई भी कर दूंगा। ठीक है जी, लो
जितना टाइम आपको चाहिए ना जी उतना टाइम लो। दिया। पर धंधे का ना एक उसूल होता है जी, अगर आपकी आने से मेरे धंधे में मुनाफा होता है तो आप लोग मेरे सर माथे पे, नहीं तो ना जी खतरी को आपकी जरूरत नहीं है। जब तक आप लोग ना अगली बिजनेस डील लेके नहीं आते ना तब तक ना आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है? आपको टाइम चाहिए जी, लो जी टाइम है आपके पास। नहीं बीजी, मैं किसी से जलती वलती नहीं हूं। लवली झूठ ना बोल, छोटे मोटे झगड़े अलग बात है, लेकिन मेरी लवली तो मैं छोटे दिल की नहीं हो सकती ना कि अपने भाभी के खाने से ही जल जाए। और फिर सोच, वो बच्चा तेरा भी तो कुछ लगेगा ना, तू उसकी बुआ कहलाएगी मिम्मी की तरह। ऐसा ना कर लवली, ऐसा करके तू अपने आप को भी दुख देगी और हम सबको भी। और ऐसे कुड़न से ना कहीं तू अपने इकलौते भाई से हाथ ना धो बैठे, देख ससुराल वाले तो तुझे पूछते नहीं, और फिर तेरा भाई भी अपना नहीं रहेगा तो हमारे जाने के बाद तू एकदम अकेली हो जाएगी बच्चा। पैर मत हिलाना, लिखने दे। गेट वेल सून टंबो। तुझे पक्का पक्का पता है ना ये गेट वेल सून लिखने से जल्दी ठीक हो जाएगा? 100%। तू नहीं जानती प्रीत दुआओं में कितना असर होता है, खास करके मिक्की के दुआओं में। What's up? मिनी यार। क्या यार, क्या कर रहा है? गेट वेल सून लिख रहा हूँ। Nice. देखा मैं भी लिखती हूँ, कहाँ लिखना है, हट उसे लिखने देना। क्यों? अरे यार तुझे इस वक्त ना अपने बेस्ट फ्रेंड्स के विशेष चाहिए, इसकी थोड़ी ना विशेष चाहिए, ये तो कुछ भी बकवास है। देख राइटिंग भी कितनी गंदी है ना, मुझे समझ में आ रही ना तुझे, तो माता रानी को कैसे समझ में आएगी बता। मैं लिखती हूँ, मेरी उसे ज्यादा काम आएगी। ओ कुछ भी ए भी। क्या ए भी? तू हट हवाले दे साइड। क्या लिखूं मैं? ये पी, ये तू है पी, ये मैं हूं और ये हमारी दोस्ती। ओह वेरी स्मार्ट। मैं कहूं तुम दोनों मुझे कट ही कर दिया। हाँ तो बिल्कुल, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में तेरा क्या काम है? अरे क्यों नहीं, मतलब अब वो हमारा भी फ्रेंड है ना। करेक्ट, सीख कुछ अपने दोस्त से। ओए प्रीत तू ना इसकी बातों में मत आ, बहका रहा है तुझे, बहुत ओवर स्मार्ट है। रहने दे प्रीत, तेरी फ्रेंड को मेरी बुराइयां करने से फुर्सत का। तू एक काम कर, तू पैर दे, मैं बनाता हूं। अरे क्यों, क्या मेरे हाथ में ये हो गया ना, तू मुझे कितना भी कट करने में नहीं, मैं नहीं मिट रहा। अब मैं तुम दोनों के बीच में आ गया। ओके ओके फाइन, अब हो गया ना तुम दोनों का। अच्छा सुन मिकी, तू मुझे हमारे पेज के कुछ न्यू फीचर्स दिखाने वाला था ना। दिखाता हूँ पेशेंस कुड़िये, पेशेंस। चुप रह, दिखा मुझे। डोंट वरी, ऐसे ऐसे फीचर्स दिखाऊंगा ना कि तू देख कर बोलेगी वाह मिकी वाह। ओह अपने मुंह मिया मिठू। Get a chair here. भाई सुन, दो कॉफी, ओ सॉरी तीन कॉफी कर देना। Updates. Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.